इट्स अर्जुन हियर, वेलकम टू सन्नाथ क्रिकेट डेव्स। तो गाइस, क्वालिफायर वन केकेआर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद, ग्राउंड अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो गाइस, टाइमिंग 7:30 बजे। गाइस, इस मैच की स्क्रिप्ट आ चुकी है और 100% स्क्रिप्ट आ चुकी है, लेकिन अभी तक के मैचेस की बात कर लेते। गाइस, बैक टू बैक मैचेस पास है, बैक टू बैक मतलब 18 से 20 मैच पास लाइंस है, और गाइस ओपन में ही लगभग 50 लिमिट से भी ज़्यादा तुम लोगों को ओपन में प्लस कराया है। तो गाइस समझ सकते हो किस लेवल का मैं, पूरी मार्केट के जितने बड़े टी है ना, सब लोगों ने एयर लगा रखे हैं। कंटिन्यू बैक टू बैक 10 मैच में लॉस, अगर 10 मैच का लॉस हो गया ना तो तुम लोग 30 मैच भी पास जाएंगे तो तब भी तुम लोग लॉस कवर नहीं कर पाओगे। ये लोग तो समझते नहीं हैं, इन लोगों को मैं मतलब तुम लोग नहीं समझते इस चीज़ को, ये लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर बैक टू बैक 3 मैच भी लॉस जाते तो लगभग 10 मैच अगर तुम लोग पास जाएंगे ना तब भी तुम लोग 3 मैच का लॉस कवर नहीं कर पाओगे। तो गाइस किसी दिन में इस डिटेल वीडियो में बात करेंगे। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो गाइस बात करते हैं केकेआर वर्सेस हैदराबाद का मैच की। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है और जैकपॉट, मिनी जैकपॉट मैच है। और गाइस मतलब 3 लिमिट से प्ले करोगे तो 12 से 15 लिमिट प्लस रह सकते हो इस मैच से, क्योंकि गाइस पूरा मैच घूमेगा और एंट्री री एंट्री प्लस अमाउंट से एंट्री और गाइस सेशन विकेट बॉल सब कुछ ए टू जेड। वैसे तो लोगों के सामने 90% स्क्रिप्ट शो करूंगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। एंड गाइस अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ये मैच सिंगल एंट्री ओपन में कराऊं, तो गाइस तुम लोग कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को हर बंदा जो लाइक कर रहा ना वो 10 कमेंट करना है, कैसा काम लगा, कितना प्लस में हो और किस तरीके का लेवल का काम है, 10 कमेंट करना है। अगर तुम लोग मिनिमम 50 लाइक भी करते हो, 10 कमेंट करोगे तो 200 कमेंट एकदम 100% हो जाएंगे और मैं तुम लोगों को सिंगल एंट्री ओपन में करा दूंगा। सेशन तो तुम लोगों को ओपन में ही मिलेंगे, बट गाइस स्क्रिप्ट समझ लो मैच किस तरीके से होगा। टॉस जीतेगा यहाँ पर, टॉस कौन सी टीम जीतेगी समझ में गाइस? टॉस जो जीतेगा वो जीतेगा केकेआर, टॉस जीतेगा केकेआर, फर्स्ट बैट पर आएगा सनराइजर हैदराबाद। और गाइस 6 ओवर जो सेशन ओपन होगा सनराइजर हैदराबाद का 62-63 या 60-61-62 जो भी है ओपन होगा, लेकिन जैसे ही टॉस जीतेगा केकेआर और फर्स्ट बैट पर आएगा सनराइजर हैदराबाद, तो सनराइजर हैदराबाद 95% फेवरेट हैदराबाद रहेगा। लेकिन गाइस जो 6 ओवर सेशन है ये तुम लोगों को नोट करना है, लगभग 48-45 रन बनेगा 6 ओवर में। तुम बोलो यार ये तो सुपरमैन टीम है हैदराबाद और तुम ऐसी बातें करते हो, तो गाइस स्क्रिप्ट भी नाम की चीज होती है। इसके बाद बात करते हैं गाइस 10 ओवर, तो 10 ओवर जो सेशन ओपन होगा वो होगा 78-80 के आसपास, 78-80 के बीच में सेशन होगा, ये सेशन पास जाएगा, लगभग 90 रन बन जाएंगे। अब बात करते हैं 15 ओवर सेशन की, तो 15 जब 90 रन 95 रन 10 ओवर में बनेंगे समथिंग, तो गाइस तुम लोगों को 10 ओवर सेशन समझ लो यस करना, मतलब 15 ओवर जो सेशन ओपन होगा वो होगा 141-145 के बीच में ओपन होगा, ये सेशन तुम लोगों को नोट करना है। अब बोलोगे कभी नोट करना का कभी यस करना समझ से बाहर, तो गाइस टेलीग्राम नाम की भी कोई चीज़ है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइनिंग कर लो, यहाँ पर कौन सा सेशन यस करना है कौन सा नोट करना है ये सब कुछ अपडेट करूँगा। और गाइस चैनल को पिन टू टॉप जरूर रखना, क्योंकि रनिंग मैच में कभी भी सेशन की एंट्री और विकेट की एंट्री आ सकती है। अब गाइस बात करते हैं अगर 140 के आसपास 38 के आसपास बनता है 15 ओवर में इस स्कोर, तो गाइस हैदराबाद की जो लंबी ओपन होगी 30 बॉलों पे 58-60 रन देगा लंबी, मतलब देगा क्या मतलब ओपन रेट होगा। तो अगर 138 बनता है तो लंबी ओपन होगी 199-201 के बीच में ओपन होगी, ये सेशन यस करना ठीक है। लगभग जो हैदराबाद का स्कोर होगा वो होगा 202-213 के बीच में स्कोर होगा। अब देखने वाली बात है केकेआर इस स्कोर को चेज कर लेता है या फिर हैदराबाद डिफेंड करा देगा। बट गाइस ट्विस्ट यहां पर ये है कि 1% टॉस जीत करके केकेआर फर्स्ट बैट पर आ जाता तो किस तरीके की ये मतलब फुल स्क्रिप्ट चेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर 6 ओवर सेशन यस करना है क्योंकि नारायण मारेगा, और जब सेशन 100 मतलब 6 ओवर में 65-67 के आसपास
रन बन जाएगा ना तो 10 ओवर सेशन ओपन होगा 97 100 के बीच में, ये सेशन नोट करना। 15 ओवर सेशन नोट करना। लंबी की बात की जाए तो केकेआर का स्कोर जो होगा 187 से 195 के बीच में होगा। अब देखने वाली बात है गाइस कि कौन सी टीम इस मैच को विन करती है, केकेआर या हैदराबाद। गाइस वीडियो को लाइक और 200 कमेंट जरूर कर देना अगर तुम लोगों को ये मैच की एंट्री ओपन में चाहिए। अब बात करते हैं गाइस इस मैच में किस तरीके की एंट्री होनी चाहिए, तुम लोगों को एक एंट्री समझा देता हूँ। तो सबसे पहले एंट्री कैसे होनी चाहिए, सबसे पहले तुम लोगों को 295 पर केकेआर को प्लस करना है और बाकी एंट्री तुम लोगों को समझाऊंगा। लेकिन केकेआर प्लस करना है इसका मतलब ये नहीं कि टीम केकेआर है और हैदराबाद भी है, कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं बता रहा हूँ। लेकिन तुम लोगों को 200 कमेंट्स और 100 लाइक करना है और तुम लोगों को एंट्री री एंट्री सेशन कब सेशन यस नोट करना है, ये सब कुछ अपडेट मिलेगा टेलीग्राम पर। तो गाइस इस वीडियो को जितना भी शेयर लाइक कर सकते हो कर देना, कमेंट्स कर देना यार। तुम लोगों को मैं चाहता हूँ कि इस मैच से तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रहो और टारगेट हो जाएगी इस मैच में। अगर तुम लोगों ने लाइक कमेंट कंप्लीट कर दिए तो लगभग टारगेट तुम लोगों को 61-63 लिमिट प्लस हो जाएगी, क्योंकि अभी 58 के आसपास लिमिट प्लस है समथिंग। तो गाइस दुआओं में याद रखना आपका अपना भाई अर्जुन। और गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना यार। अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को ऊपर ही मैं एक तो एंट्री दे दूँ सेशन में, हाँ सेशन में तुम लोगों को प्रॉफिट कराऊंगा मिनिमम 1.5 लिमिट। क्योंकि देखो अगर तुम्हारी एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए 20,000 की लिमिट है तो तुम लोग 5,000 का सेशन यस लोड करना जो भी एंट्री मिलेगी, इसमें तुम लोग 1.5 लिमिट प्लस रह जाओगे। जो भी तुम्हारी लिमिट है 20,000 की है या 20 पेटी की है, 1.5 लिमिट मतलब 20 पेटी की तुम्हारी लिमिट है तो तुम लोग 30 पेटी प्लस हो जाओगे, टोटल 50 पेटी बन जाएगा। अगर 20,000 की लिमिट है तो टोटल 30,000 प्लस हो जाओगे, 50,000 बन जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है सेशन में ही तुम लोगों को 1.5 लिमिट प्लस करा दूंगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ओके गाइस दुआओं में याद रखना आपका अपना भाई अर्जुन।